बहुत सारे फीचर्स एंड मोड्स हैं इसमें। और ये इसका वीडियो लैप्स है जो कि ज़्यादा। हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम रोहित कुमार है और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के साथ। और सबसे पहले आपके लिए सॉरी क्योंकि मेरी 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि 2 दिन होली थी, जो पिछले 2 दिन गए हैं मैंने होली वाला ब्लॉग नहीं बनाया। मेरा जो 2 दिन बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं आया था, एक शॉर्ट आया था जो कि मेरे दोस्तों ने मैं पूरा बिगाड़ दिया हुआ था, तो वही शॉर्ट आया था। दूसरी चीज़ जो मेरा जो न्यू हेलमेट था वो मैंने रिप्लेस कर दिया हुआ है, क्योंकि वो मतलब मैंने एम साइज ऑर्डर किया हुआ था लेकिन एल आ गया, तो मेरे सर में थोड़ा सा हल्का सा लूज हो रहा था, तो मैंने वो इसलिए रिप्लेस कर दिया, क्योंकि फिर उसमें माउंट और चिन माउंट लगा के मैंने चेक भी किया था उसको, तो तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाया मेरे साथ। मुझे लूज हेलमेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है और किसी को भी पसंद नहीं है लूज हेलमेट, क्योंकि लूज हेलमेट अच्छे लगते ही नहीं है और ना ही कुछ बैलेंस बनता है उनके साथ, तो इसलिए मैंने वो रिप्लेस कर दिया। और अब मैं ऑफलाइन ही लेके आऊँगा अपना जो फुल अच्छा वाला साइज आएगा मेरे हेड में, वो वाला मैं लेके आऊँगा अब की बार ऑफलाइन ही लेके आऊँगा अपने मार्केट से, ऑनलाइन नहीं खरीदूँगा क्योंकि मन नहीं कर रहा अब की बार ऑनलाइन खरीदने से, मतलब हेलमेट को ख़रीदने का मन नहीं कर रहा ऑनलाइन मेरा। वैसे मैं दुकान से ही लेके आऊँगा उसको और उसका भी मैं ब्लॉग बनाते हुए चलूँगा, 2-3 दिन बाद लेके आऊँगा उसको और जब आपको बता दूँगा कि वो मेरा कौन सा हेलमेट है, न्यू वाला सेकेंड हेलमेट है ये मेरा, फर्स्ट वाला तो मैंने रिप्लेस कर दिया क्योंकि उसके साथ कुछ भी बैलेंस नहीं बना मेरा। और तीसरी बात यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं मतलब जिस चीज़ को चाह रहा था वो मुझे मिल चुकी है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मुझे हेलमेट में चिन माउंट लगा के फ़ोन नहीं लगाना पड़ेगा, फ़ोन मोटो ब्लॉगिंग नहीं करनी पड़ेगी उसकी वजह से, और वो मेरे पास आ चुका है। अब मैं मोटो ब्लॉगिंग उसी से किया करूँगा, मेरे पास एक एक्शन कैमरा मिल चुका है मुझे, जो कि भरतपुर राइडर भैया ने दिया था मेरे लिए, उन्होंने दिया था, उनके पास 2 थे तो एक मेरे लिए दे दिया उन्होंने, तो उसका मैं आज ब्लॉग बनाऊंगा पूरा और आपको दिखाऊंगा और कुछ रिव्यू करूंगा। सेकंड हैंड है, उसका बॉक्स नहीं है मेरे पास, बट आपको एसेसरीज बता दूंगा कि क्या क्या आएगी उसके साथ जब आप नया ख़रीदोगे, और फुल स्क्रीन शॉट भी लगा दूंगा कि ये चीज़ आपको उसके साथ मिलेंगी, जो मैंने एक्शन मतलब जो मुझे एक्शन कैमरा मिला है भरतपुर राइडर भैया से, मैं आपको बताता हूँ कि वो एक्शन कैमरा कौन सा है। मेरे पास फुल एसेसरीज नहीं है उसकी, हाफ है, जो कि माउंट है एक, तो एक कैमरा है और एक माइक है, ये 3 चीज़ें, एक डाटा केबल है और एक बैटरी है उसके साथ, तो वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ अभी और दिखाऊंगा अभी। मैं आपके लिए बता रहा हूँ SJ6 लेजेंड जो एक्शन कैमरा आता है, कैमरा तो इसका ये है देखो, और इसके ऊपर एक केस लगा हुआ है जो कि हेलमेट में माउंट होता है ये, और दूसरा मेरे पास एसेसरीज है इसकी, जो डाटा केबल है ऐसी आती है देखो, हाँ भाई ऐसी डाटा केबल आती है इसकी, ये वाला जो आप देख रहे हो ये SJ का ही माइक है, देखो ऐसा आता है कुछ, कितना बड़ा नॉइज़ रिड्यूसर लगा हुआ है इस पर। और तो इसका अभी मेरे पास कुछ नहीं है, यही है जो भी सामान आप सामने देख रहे हो, और एक बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, ये वो अभी तो मेरे पास यही है, कैमरा माइक और ये जो डाटा केबल है इसकी चार्ज करने की है, डाटा केबल किसी भी चार्जर में लग जाएगी, आप आसानी से लगा के इसको चार्ज कर सकते हो, कैसे भी एडेप्टर हो उसमें आप इसको लगा के इजीली इसको चार्ज कर सकते हो। और इसकी जो एक कनेक्टर भी आता है जिसमें आप बोया का माइक या फिर किसी अन्य माइक को यूज़ करना चाहते हो तो वो यूज हो जाते हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो है लगभग 10,500 रुपये, फ्लिपकार्ट पे तो 10,900 प्लस के लगभग बता रही है, लेकिन ये ऑफलाइन में आपको 10,500 रुपये का मिल जाएगा, कुछ इस तरह दिखेगा आपको, देखो आगे इसमें एक स्क्रीन है छोटी वाली और पीछे है, देखो मैं आपको चालू करके बता देता हूँ इसको, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सेकंड हैंड है,
इसको कोई प्रॉब्लम नहीं कह सकते हम, जब तक कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है तो वो ख़राब नहीं कह सकते हम उसको। उनके पास न्यू रखा था ये, उन्होंने इतना ज़्यादा यूज नहीं किया हुआ है। देखो कितना वाइड आ रहा है, देखो मैंने यहाँ पे लगा रखा है ये वाला, और फुल्ली कुर्सी आ रही है इसकी, देखो है ना। आपको क्लिप भी दिखाऊंगा और कुछ फ़नी फ़ोटोज़ भी लगाऊंगा जो मैंने इससे खींचे हुए हैं, क्योंकि मैंने वाइड एंगल का फुल यूज़ किया हुआ है ना, तो इसलिए इसमें कुछ फ़नी फ़ोटो हैं प्रशांत के और प्रशांत के दोस्तों के लिए। ये वाली है जो वीडियो बनाने की है, पावर ऑन ऑफ बटन है, ये वाले जो सेटिंग का बटन है इसका। अभी तो ये फ़ोटो मोड पर लगा हुआ है, देखो ये इसका वीडियो मोड है। अब वीडियो बनेगी इससे, 720x30 FPS पे बना रहा हूँ अभी तो मैं इसको। और ये इसका वीडियो लैप्स है, जो कि ज़्यादा मतलब जो बहुत तेज़ चलती है इससे वीडियो। और ये इसका स्लोमो, और ये फ़ोटो खींचने का, ये है फोटो लैप्स, और ये है बस्ट मोड, और तो इसमें मोड नहीं है शायद। हाँ एक ये है फोटो वीडियो मोड, यह है कार मोड, यह है अंडर वाटर मोड। इसके साथ जो वाटर प्रूफ केस आता है उसको लगा के आप अंडर वाटर भी इसको लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरे पास तो अभी यही केस है जो हेलमेट में लगाया जाता है, और वाटर प्रूफ केस भी आता है इसके साथ। स्क्रीनशॉट्स देख रहे हो, इतनी सारी चीज़ आती हैं इसके साथ, जो बहुत सारे कैमरे आते हैं, लेकिन ये अंडर बजट है, फुल्ली अंडर बजट है ये वाला। देखो बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत सारा वाइड एंगल है। और इसकी कुछ क्लिप्स लेके बता देता हूँ आपके लिए मैं, इसके आपको फीचर दिखा देता हूँ मैं। देखो एक तो ये है इसका रेजोल्यूशन, जो मैंने 720x30 FPS पे लगा हुआ है, देखो ओ तेरी क्या हो गया। और ये आगे की तरफ 720x60 FPS, 720x120 FPS, 1080p 30 FPS 4.3, और ये है 1080p 25 FPS, ये है 1080p 30 FPS, ये है 1080p 50 FPS, ये है 1080p 60 FPS, 2K 30 FPS, 4K 2.4 FPS। तो इसमें बहुत सारे रेजोल्यूशन भी आए हैं आपके लिए। और ये है लैंग्वेज का, ये है डेट, और ये है फॉर्मेट, और ये है गिम्बल कंट्रोल, ये है पीवी, मुझे इसके पता नहीं है भाई, अभी दिखाओ यार क्या हो गया। ये है इसका एफ पी वी, टी वी मोड, फास्ट रिकॉर्ड, क्विक कैप्चर, और फ्रंट डिस्प्ले जो ये वाली है ऑन हो जाएगी इससे, और ऑटो पावर, की टून, लाइट सेट, स्क्रीन सेवर, फ्रीक्वेंसी, रोटेट, लोगो मार्क, वाईफाई, पावर मोड, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आप कर लोगे तो ये अपने आप ही जो चलने लग जाएगा, और अपने आप ही जो पूरी सेटिंग है ना इसके अंदर वो अपने आप ही सेट हो जाएंगी, आपको करनी नहीं पड़ेंगी। लेकिन जो जानते हैं वो तो कर लेते हैं मैनुअली, आप बिगनर हो तो इसको डिफ़ॉल्ट वे रहने देना। वह 720x30p पे, और ये है रिकॉर्ड होती है जब चलती हैं इसमें सेकंड्स, और ये है जीबी बता रही है कि 1.4 GB बची हुई है अभी, जो फोर इसमें 4 GB का कार्ड लगा हुआ है, और अभी बच चुके हैं लगभग 2:38 हो चुके हैं। और टाइम भी अच्छा मतलब टाइम भी फिक्स बता रही है, देखो 14, ये है रेलवे टाइम है ये, तो अभी 2:38 हो चुके हैं। और है इसका केस है, जो कि हेलमेट में चिन माउंट लगा के हैं, और पोल में लगा देते हैं इसको तो टाइट हो जाता है, वैसे ढीला आता है देखो, लेकिन इसमें चिन माउंट में लगा के तो बहुत टाइट हो जाएगा, ये कभी नहीं निकलने वाला है। देखो पूरा मतलब हाईलाइट नहीं हो रहा है, जो ये जो क्लोड्स हैं हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, फुली ब्लू दिख रहे हैं, जैसा कलर है वैसा दिखा रहा है, ये कलर में कोई भी अंतर नहीं है। देखो मेरे सामने ये जो चने हैं या फिर क्या है, हाँ चने हैं, देखो इनका भी कलर देख लो आप, मेरी परछाई आ गई थी अभी इसमें। और ये जो है इंटरनल माइक से सूट हो रहा है अभी, देखो कट्टा बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इसके पास ही ला दिया ना, देखो कितना वाइड एंगल है ना इसका, बहुत अच्छा वाइड एंगल है। और ये वाली है जो ग्रीन है, ग्रीन कलर भी देख लो आप, कलर सिचुएशन और सब कलर अच्छे आते हैं इससे, कोई भी दिक्कत नहीं है बिगनर्स के लिए, जिनका बजट 10,000
है वो इसको आसानी से ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। देखो ये अभी मेरी वीडियो चल रही है, इसमें वाइड एंगल मैंने नहीं लगा रखा है। फ़ोन में तो आपको इतना वाइड एंगल दिखेगा जो कि मैंने ऊपर लगा रखा है। देखो इसको अगर मैं नीचे भी लेके जाऊँगा ना तब भी आप देख लो कितना वाइड एंगल और फुल्ली कुर्सी दिख रही होगी आपको। अभी इससे मैं मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि फ़ोन है जो थोड़ा भारी रहता है और उसके दो चार डिसएडवांटेज हैं, उसके उसकी स्पेशली वीडियो आएगी अगली बार, तो उसके जो डिसएडवांटेज हैं मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग के वो मैं आपके लिए बताऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ लगा उसके साथ कि नहीं हो पाएगी, मुश्किल है वैसे, क्योंकि वो मैं उसी में बताऊंगा कि क्या क्या डिसएडवांटेज है। लेकिन अभी आप इसका देख लो, मैं SG6 लेजेंड से अभी जो शूट कर रहा हूँ और देख सकते हो आप इसकी जो क्वालिटी है अच्छी आ रही होगी। अभी इंटरनल माइक से है, मैं एक्सटर्नल माइक से भी जो इसका SJ माइक है उसको भी लगा के आपको ऑडियो क्वालिटी सुना दूंगा और उससे भी देख लेना आपकी। सो गाइस मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ ये है इसका एक्सटर्नल माइक जो कि SJ कैम के साथ नहीं, आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा, लगभग 1600-1400 रुपए का आता है। और आप मुझे कमेंट करके बता देना कि इसकी जो एक्सटर्नल माइक की क्वालिटी है और जो इंटरनल माइक की क्वालिटी है वो आपको कैसी लगी, तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता देना। तो अभी बहुत ज़्यादा धूप लग रही है मुझे, और इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी मेरे लिए आप बता देना कि कैसी आ रही है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी मुझे वहाँ पे यार। और मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला कैमरा कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं इसको कल से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप भी मुझे बता देना कि आपको ये वाला कैमरा कैसा लगा और कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है और कैसे आपको इसके मोड्स लगे, जो बहुत सारे फीचर्स एंड मोड्स हैं इसमें, तो वो आपको कैसे लगे वो भी मुझे बता देना। और मैं कल से यूज कर रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत आई नहीं है, लेकिन आप भी जजमेंट कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि इसकी साउंड क्वालिटी और ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी है। सो गाइस मैंने आपके लिए इसका सब कुछ बता दिया है, इसके फीचर, ऑडियो वीडियो क्वालिटी, इंटरनल एक्सटर्नल माइक से जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी बता दी, इसका जो ओवरऑल सब कुछ फीचर है, कैमरा क्वालिटी है और ऑडियो क्वालिटी है, सब कुछ बताना मेरे को कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। सो अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो आज के ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतजार कर रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय।